स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। प्रोटेस्ट तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन ये जामिया मिलिया इस्लामिया है जहां प्रोटेस्ट के बाद आप देख रहे हैं कि लोग रोड को किस तरह से साफ कर रहे हैं किस तरह से यहाँ रोड पे झाड़ू दे रहे हैं और ये रोड जो थोड़ा देर पहले बिल्कुल कचरे का डब्बा बनी हुई थी वो इस तरह से साफ़ हो गई साफ़ व शफाफ जैसे कि हम हिंदुस्तान नहीं बल्कि किसी यूरोपियन कंट्री में हैं। इस तरह से ये साफ़ कर दिया इसको रोड को और यहाँ बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जिनका रोज़ काम है। जब प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाता है तो ये यहाँ आकर लोगों की जितनी गंदगी यहाँ पर लगी होती है क्योंकि लोग यहाँ चाय भी पीते हैं बिस्किट भी खाते हैं और भी खाने की चीज़ें आती हैं और भी पानी की बोतल इतने हज़ारों लोग जमा होते हैं तो ये सारी चीज़ें रहती हैं इनको बिल्कुल आके क्लियर करते हैं साफ़ करते हैं। और अब इस पोर्शन को रोड को आप देखें जो इन्होंने साफ़ कर दिया है तो इसको देख के आपको मालूम होगा कि ये वही रोड है जो थोड़ा देर पहले बिल्कुल गंदगी इसमें भरी हुई थी और अभी बिल्कुल साफ़ है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो हम इस प्रोटेस्ट से सीख सकते हैं। स्टार्टिंग में तो एक दो दिन हमने नहीं कर रहा था आई थिंक प्रोटेस्ट 12 या 13 से स्टार्ट हुआ था उस टाइम तो हम लोग नहीं किए थे लेकिन जो लास्ट इंसिडेंट जो हुआ सॉरी जो इंसिडेंट संडे में हुआ था अटैक हुआ था संडे को लाइब्रेरी में उसके अगले दिन से हम लोग डेली कर रहे हैं। अभी तक आज देख सकते हैं डेली हम लोग प्रोटेस्ट जब ख़त्म होता है तो हम लोग को 2 से 2.5 घंटे लगते हैं डेली सफाई करने में। हम ये पूरा इकट्ठा पहले एक जगह करते हैं और फिर इसको पन्नी में अभी हम आएंगे दोबारा पन्नी में लेंगे और फिर हम जो डिवाइडर के बीच में हम उन सबको भी कलेक्ट करेंगे। साफ़ सफाई हमारे पास होना चाहिए प्रोटेस्ट में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साफ़ सफाई जामिया की रोड कभी इतनी साफ इससे पहले ना रही होगी ना आगे शायद रहे तो आप लोग साफ कर रहे हैं बिल्कुल लगता है कि जैसे किसी बाहर देश की ये जो है वो रोड हो। असल में कि इसमें आमतौर पर अगर आप पहले भी विजिट करेंगे फिर प्रोटेस्ट के बाद करेंगे तो इसमें कभी गंदगी भी रहती नहीं है ये रोड ऑलमोस्ट हमेशा ऐसी क्लीन रहता है। बट प्रोटेस्ट को ऐसे क्या हो रहा है कि काफ़ी पब्लिक आती है और जैसे चाय का स्टॉल देख रहे चाय कोई चाय लगाता है कोई पानी लेता है कोई बिरयानी देता है तो जिसकी जो सहूलियत होती है वो देता है उसके हिसाब से और फिर जो भी कूड़ा होता है हम सब इकट्ठे करके और शाम में एक जगह रख देते हैं और फिर वो MCD वाले आके लेके जाते हैं फिर जो भी कूड़ा उठाने वाले लोग हैं वो आके लेके चले जाते हैं। वॉलेंटियर्स हम लोग 14-15 है लेकिन कोई नहीं आ पाते लेकिन वॉलेंटियर्स हम काफ़ी है कुछ लोग लोकल भी जुड़ते जैसे कि बच्चे हैं ये लोग डेली नहीं आते लेकिन ये वॉलेंटियर्स है और ये लोग डेली साफ सफाई में हमारे साथ जुड़ते हैं ये लोग लोकल्स हैं इसमें लोकल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये आप कहाँ के रहते हैं? मैं जाकिर नगर में रहता हूँ और मैं यहाँ साफ सफाई करने आया हूँ यहाँ और मेरा जी चाहता है कि ये साफ सफाई करना और वॉल ट्रेन का मदद करना। जी इतनी साफ तो जामिया की रोड कभी हमने नहीं देखी थी। नहीं जामिया का रोड ये रोड तो गंदा ही नहीं होता है पहली बात कोई ऐसी गंदगी की वो है ही नहीं। लोग यहाँ आ रहे हैं रोड पे रह रहे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए लोग चाय वगैरह पीते हैं तो वही कप वगैरह है वैसी गंदगी नहीं कप वगैरह और बिस्किट वगैरह का रैपर वगैरह है तो हम लोग सारे स्टूडेंट ही हैं तो सारे स्टूडेंट मिल करके सोचते साफ कर दे तो कूड़ा जमा हो जाता है तकरीबन हो जाता होगा 10-12 बैग हो जाते हैं वो। हाँ।
हमसे निकलेगी स्वच्छता। मैं जामे में पढ़ता हूँ, यहाँ पर रोज आके वॉलंटियर की मदद करता हूँ, लेकिन ये मोदी हमें जीने नहीं दे रहा, इसलिए हम सफाई कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम सफाई करके स्वच्छ बनाना चाहते हैं अपने भारत को। नहीं, अभी आपने बोला था ना कि मोदी जी का नहीं, हम लोगों का तो पहली बात तो ये इस्लाम का ही है, सफाई आधा ईमान है, तो सबके लिए वो तो अंदर से जज्बात है हम लोगों का कि हम लोग ये करते हैं, क्योंकि ये अपना जामिया है तो अपने जामिया को साफ करना ही बहुत बढ़िया है। ये हम लोग खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स के ग्रुप है, जो बड़े भाई है, जैसे जॉब करने वाले भाई लोग हैं, वो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हम लोग कम करते हैं, लेकिन हम किसी एनजीओ से नहीं जुड़े, हमें कोई फंडिंग नहीं करता है। ये हम लोग जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, टी शर्ट हो गया, ये सब हम लोग झाड़ू हो गए, हम लोग खुद से कंट्रीब्यूट करके खुद से हम बोरो करते हैं। डेली का हमारा ग्लव्स का एक डब्बा लग जाता है और मास्क एक डब्बा लाते तो दो दिन तक चलता है। और झाड़ू स्टार्टिंग में हम लोगों ने 45-50 हमारे पास झाड़ू थी, लेकिन धीरे धीरे झाड़ू भी खत्म हो रही है, तो कुछ दिनों में हम झाड़ू भी लेके आएंगे। और हमारे ये खुद से हम कंट्रीब्यूट करके ये लेते हैं, हमारा कोई एनजीओ से फंडिंग नहीं आता है या फिर कोई किसी से हमारा लेना देना, हम खुद से करते हैं, कंट्रीब्यूट करके खुद से करते हैं साफ सफाई। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाए स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग हमारे स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे भाग हमारे स्वच्छ बनेगा ये भारत। बेसिकली स्टार्ट हम ऐसे करते हैं कि पहले तो हम कोशिश करते हैं यहाँ से कि लोग हट जाएं, 5:30 बजे तक का हमारा टाइम है जो हमें इजाज़त है, उसके बाद से लोगों को खाली करवाने के बाद हमारे वॉलंटियर सिर्फ सफाई में लग जाते हैं। सफाई करते करते वो एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर वहाँ से इकट्ठा हुए कूड़े को हमारे दूसरे वॉलंटियर्स उठा के इस जगह पर डाल देते हैं, ताकि यहाँ से MCD वाले को उठाने में एक जगह से आसानी हो जाए। इससे दो काम आसान हो जाते हैं, एक तो लोगों को अगले दिन जो हमें बिल्कुल साफ मिलता है प्रोटेस्ट की जगह, दूसरी चीज MCD वाले को भी दिक्कत नहीं होती कि कूड़ा इतना हो जाता है या कुछ भी। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाए स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग हमारे स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे भाग हमारे स्वच्छ बने।